लगातार तापमान बढ़ने के बाद अब लोगों में त्वचा रोग की समस्या बढ़ने लगी है। ऐसे में एक्सपर्ट ने लोगों को सलाह दी है कि वे अगर कुछ घरेलू उपाय अपनाते हैं और सावधानियां बरतते हैं तो इस त्वचा रोग से बचा जा सकता है। इस वक्त जिला अस्पताल में भी त्वचा रोग के मरीज प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कुछ घरेलू उपाय कर इन समस्याओं से बच सकते हैं। आइए जानते हैं एक्सपर्ट से कि किस तरह करें बचाव। देखिए, अब ये मौसम चेंज हुआ है, थोड़ा गर्मी ज्यादा पड़ने लगी है, तो गर्मी से रिलेटेड जो स्किन के प्रॉब्लम्स हैं वो अब आ रहे हैं। त्वचा रोग जो हैं वो बारह मासी सीजन में, हर सीजन में ही कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार के त्वचा रोग होते हैं। अब चूंकि उष्णता बहुत बढ़ गई है और टेम्परेचर 38 से 39 40 तक जा रही, तो जो हीट रिलेटेड स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो अब ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अमूमन हम लोगों की ओपीडीज में 35 से 40 के पेशेंट लगभग रोज ही स्किन के आ रहे हैं, और उनमें ज़्यादातर करके मिलेरिया यानी जो घमौरियाँ होती उस तरीके का, फोटोडर्मेटाइटिस यानी धूप के जो पराबैंगनी किरणें हैं उनकी वजह से त्वचा में नुकसान होता है, उसकी वजह से त्वचा लाल हो जाती है, खुजली होती है और चेहरा भभकने लगता है, वो इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। प्लस गर्मी के फोड़े फुंसियाँ भी आ रहे हैं। ऐसा होता है कि जब ये उमस का थोड़ा सा जहाँ पे क्षेत्र है, जैसे टाइट कपड़े कोई पहन रहे हो तो उसमें रगड़ से मतलब जो रोम हैं वो रोम टूट जाते हैं, तो उन रोम क्षेत्रों के इर्द गिर्द फोड़े टाइप के या फुंसियाँ बन जाती हैं, उस तरीके की केसेस भी आ रहे हैं। इसके साथ साथ ड्राई स्किन के भी आ रहे हैं। ड्राई स्किन से मेरा मतलब है ये शुष्क मौसम है, अभी इसमें वातावरण में नमी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इस शुष्क मौसम में त्वचा की ऊपरी सतह जो है वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है, थोड़ा सा जो स्किन की टर्जर है या स्किन का जो एक टेक्सचर है, मुलायम मशरूम जो स्किन होती है वो चीज़ नहीं रहती है, तो थोड़ा सा डिहाइड्रेटेड टाइप का स्किन के, ये आम जो स्किन के प्रॉब्लम आ रहे हैं। अब रही बात इनकी कि पेशेंट अपने स्तर से कैसे इनका बचाव करें, तो उसके लिए उनको ये जानना ज़रूरी है, जैसे कि और इस मौसम में गर्मी के प्रभाव से बचने के जो उपाय करने हैं वो स्किन पे भी लागू होते हैं। उनको पूरे बाजू के कपड़े पहनने पड़ेंगे, लेकिन लाइट कलर के और लाइट कॉटन के कपड़े पहनने पड़ेंगे ताकि ढका रहे परंतु उमस और गर्मी अंदर ना पैदा होने पाए, ताकि हीट अंदर की डिसिपेट होते रहे यानी वातावरण में घुलता रहे। दूसरा, कोई हेड गियर का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कैप है, टोपी है या गमछा है या कुछ इस तरीके का, ताकि सिर तो बचे ही बचे, साथ में जो चेहरे का जो अग्रभाग है उसमें भी सूर्य के पराबैंगनी किरणों से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। तीसरा, एम्पल अमाउंट ऑफ लिक्विड्स और फ्लूइड्स का सेवन करना चाहिए, तरल पदार्थों का सेवन अधिक मात्रा में करें, मतलब वो चाहे कुछ भी हो, चाहे शिकंजी हो या आपके वो नारियल पानी हो या आपका कोई फ्रूट जूसेस हो, कुछ नहीं तो नींबू पानी ही पी लें या सादा पानी भी पीते रहें। कीप द स्किन हाइड्रेटेड, मतलब अगर स्किन में नमी हट जाएगी तो बहुत से प्रॉब्लम होंगे, ड्राइनेस के इचिंग होगी और फिर मलेरिया बनने लगेंगे और जो भी डर्मेटेटिक प्रोसेस है स्किन के त्वचा के सूजन की वो बढ़ जाती है, तो हाइड्रेशन लेवल स्किन की ठीक ठाक होनी चाहिए। चौथी बात यह है कि पौष्टिक आहार, और इस वक्त संतुलित और कम आहार, हल्का आहार लें, इतना कि गर्मी के असर से इतने कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट मिले शरीर को कि वो गर्मी के कुप्रभाव को तो काट सके, परंतु इतना गरिष्ठ भी ना हो कि बदहजम हो जाए। तो इसमें अभी आज के तारीख में पानी भरे जितने भी फ्रूट्स हैं दे आर ऑल वेरी गुड, सिट्रस फ्रूट्स भी हैं और जो आपके जो पोटेशियम से रिच फ्रूट्स हैं, तरबूज ले लीजिए, खरबूज ले लीजिए, खीरा ले लीजिए, ककड़ी ले लीजिए, इन सब में तरलता भी है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी प्रचुर मात्रा में, तो इनका सेवन अवश्य रूप से करेंगे। और सबसे अहम बात, यदि आवश्यकता ना हो तो अपने कार्य सुबह 10 बजे तक
और शाम 4 बजे के बाद करने की कोशिश करें। ज्यादातर देखिए ये है तो हीट का जो सबसे माइल्ड रिएक्शन, जैसे हीट रिलेटेड इलनेसेस का एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है कि हीट रैश से लेकर के आपका पूरा हीट स्ट्रोक तक, तो जो हीट रैश वाला सबसे माइल्ड सिम्टम जो हीट रिलेटेड इलनेस का है वो है आपका हीट रैश या मलेरिया। इसमें त्वचा लाल हो जाएगी, त्वचा पे छोटे छोटे अंधौरी टाइप के दाने पड़ जाएंगे, खुजाएंगे, उनमें खुजली होगी और साथ में उसमें नाखून लगने की वजह से एक्सकोरिएशन हो जाता है या घाव बन जाते हैं। तो ये आजकल काफी देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में बदन को शीतल रखना एकमात्र है। अब आप ये कहो कि एसी वो तो हर एक के लिए मुनासिब नहीं है, इसलिए अपने लोकल हिसाब से जो भी वो अपने त्वचा को शीतल रखने का कार्य करें, यथा 2 बार स्नान तो कर ही सकते हैं, लाइट क्लोथ्स तो पहन ही सकते हैं। यदि इस तरीके की कोई समस्या आ रही है तो स्किन को हाइड्रेट करने के लिए कोई ह्यूमेक्टेंट, चाहे ग्लिसरीन हो चाहे कोई वेजिटेबल ऑयल हो, वो लगा ही सकते हैं। अगर ये ज़्यादा हो रहा तो कैलामाइन का लोशन लगा सकते हैं ताकि वो ठंडक पहुँचाए यहाँ पे, और इससे भी ज़्यादा बात हो तो चिकित्सक का परामर्श लें। परंतु स्वतः भी अपने आप को इसमें इस बात को लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये हीट रिलेटेड सिम्टम्स हैं और अपने आप को बचाव करें, और उसके साथ साथ स्वतः अपने आप में जो सिंपल मेजर्स हैं उसको अगर वो अपनाएं तो इनसे बच सकते हैं।